अस्सलाम वालेकुम PPVRT के व्यूवर, आप लोगों की फरमाइश पे मैंने माइक ले लिया है। और ये माइक कौन सा है अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। और आप लोगों को इस माइक रिव्यू देने से पहले पहले आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि ये डिमांड आपकी थी कि माइक भी लो और रिव्यू भी होना चाहिए। जब माइक लूँगा तो रिव्यू भी होगा ही, तो मैंने माइक जो है वो ले लिया। और अभी आप लोगों को माइक के बारे में बताता हूँ। और मैं खुद ही अपनी वीडियो देखा तो फिर मुझे लगता था कि मुझे एक लेना चाहिए माइक, और मैं काफ़ी दिनों से इसकी खोज में था कि कौन सा लिया जाए। और अभी मैंने आखिरकार ये देख लिया, और ये भी फिलहाल रिव्यू के लिए भी और चीज़ों के लिए भी अच्छा है। और इसके अलावा एक आते मोबाइल के ऊपर जो लग जाते हैं ब्लॉगिंग के लिए जो है वो भी अच्छा है। और अभी आप लोगों को ये खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसा है और इसमें आवाज़ कैसी आएगी, सारा कोई टेस्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखें, इसका नाम है वायरलेस माइक्रोफोन। और आप लोग दराज पे भी ये देख सकते हैं। मैंने तो ये आप मैं बताऊं कि ये मैं तो ऑफलाइन लिए, ऑनलाइन मैंने नहीं लिया। और ये मैंने लिया है 2200 रुपये का। और आप लोग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, द्रास पे भी है। आप लोग द्रास से लेना तो वहाँ से ले लें, मैं तो ऑफलाइन से लिया और यहाँ से बाज़ार से जाके मैं ले आया था। और अगर आप लोगों ने लेना है तो मैं द्रास का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक दबाएँगे और फ़ौरन से आप लोगों को मिल जाएगा वो माइक। और खोलते हैं तो इसके अंदर दो वाला भी आता है, इसके अंदर दो माइक भी होते हैं, लेकिन हमने जो लिया वो एक माइक और सिंगल माइक वाला है। और ये देखें, छोटा सा प्यारा सा माइक है। और ये है आईफोन का, आईफोन के लिए भी है, सैमसंग के लिए भी है जो टाइप सी है। और ये लाइटिंग है वो टाइप सी का भी होता है। और अभी ये लगा के भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसके साथ साथ देखें तो इसके साथ टाइप सी वाला आ भी जाता है, चार्जर भी आ जाता है। और साथ में आप लोग अगर यहाँ से देख सकते हैं तो देखें, इंटरव्यू के लिए, व्लॉग के लिए और लाइव शो के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये मोबाइल में कैसे कनेक्ट होगा। तो अभी व्यूवर मैं आ गया हूँ छत पे, और यहाँ की छत पे आप लोग ना जाना क्योंकि यहाँ पे मुर्गियाँ होती हैं, और मुर्गियों की वजह से ही यहाँ पे ये हालात हो गए। तो अभी इसको ज़रा मोबाइल के एक साइड पे रखते हैं और मैं ज़रा इससे दूर जाऊंगा और चेक करूंगा कि इसकी आवाज़ कितनी और आ रही है। तो मैं स्टैंड तो भूल गया हूँ नीचे, तो यहीं पे कहीं रखते हैं और चलते हैं दूर इससे। तो व्यूअर, मैंने फिर से मोबाइल पे एक तरफ खड़ा कर दिया, और अभी मैं साइड पर होता जा रहा हूँ और आप लोग देखें कि मैं कितना दूर आ गया हूँ। और अभी पता भी चल जाएगा मुझे वीडियो एडिट करते हुए कि इसकी आवाज़ आ रही भी है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। और अभी चेक करते हैं कि अभी आप लोगों को मैं सुना तो दिया आवाज़ बिल्कुल, और अब जाएंगे नीचे और फिर से अब इस पंखा चला के वीडियो बनाइए, क्योंकि पहले वीडियो पंखे के बगैर में बनाता था और अब पंखे के साथ बनाएंगे ताकि पता चले कि हवा अंदर आती भी है कि नहीं। तो व्यूअर, पंखा चल गया हुआ है और इसकी हवा भी बहुत आ रही है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसकी माइक की आवाज़ कैसे है। और मैंने पिछली वीडियो चेक की तो मैं ज़्यादा नज़दीक रखा तो आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि माइक चल रहा है, तो फिर इसके अंदर ग्रीन लाइट भी चल रही है, यानी कि वीडियो बन रही है तो ग्रीन लाइट चल रही है और ये बता रहा है कि माइक जो है ऑन है और कनेक्ट हुआ हुआ है। तो देख सकते हैं, ये नज़र आ गए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग लेंगे तो फिर भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे व्यूज़ बना रहा हूँ। तो आप लोगों की एक भाई की फरमाइश थी कि माइक भी लिया जाए और आपकी आवाज़ ताकि अच्छी है, और माइक तो मैंने ले लिया है, आपकी फरमाइश थी। और इसके बाद व्यू कह रहा हूँ, रिव्यू बनाना मेरा काम था तो फिर रिव्यू भी हो गया, ताकि अगर आप लोगों में से किसी एक ने लेना हो तो आप लोग भी ले सकते हैं। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था कि कौन सा माइक लूँ। तो अभी आप लोगों को मैंने एक और बात ही पूछनी थी कि मेरे आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि आप यहाँ पे सफ़ेद इसी तरह जो आप मर्जी कहें वाइट इसी तरह कलर हुआ हुआ है, जिसकी वजह से सही मुझे नहीं लगता कि पीछे कोई बैकग्राउंड। मैं कहता हूँ अच्छा हो, आप लोगों को जैसे
दूसरे यूट्यूबर को देखते हैं तो फिर आप लोगों को भी पता होगा कि कैसे बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे एक भाई ने मुझे बताया कि माइक लिया जाए, तो माइक मैंने ले लिया, तो अभी इसी तरह बताया जाए, बताएं कि पीछे कौन सा कलर करवाया जाए जिससे व्यूज़ जो से हैं वो और अट्रैक्ट हों, सब्सक्राइबर और आए, और इसी तरह सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, सब्सक्राइबर हुए हैं, और इसी तरह बढ़ाएंगे, इसी तरह फिर हम लोग भी, हमारा चैनल भी अपग्रेड होगा। तो फिर अब तो माइक आ गया, तो अब मैं फ़ैन चला के भी वीडियो बना सकता हूँ। पहले तो बिल्कुल कपड़े गीले हो जाते थे, इतनी गर्मी होती थी, तो फिर अब भी इस तरह बनाई जाएगी वीडियो, और आप लोगों को लाजमी बताना कि वीडियो कैसी, और आप लोगों को फिर से बताता चाहूँ कि ये मैंने ऑफलाइन मैंने लिया है 2200 का, और ये अगर आप लोग इंतराज से लें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये आप लोगों को मिल जाएगा 2280 का, और उसके साथ 100 रुपीज़ आप लोगों के डिलीवरी के भी लगेंगे। और इससे मैं यही कहूँगा कि आप लोग जाके पहले अपनी मार्केट में चेक कर लें, आप लोगों को अगर वहाँ से मिलता है तो ठीक है, और आप लोगों को मैं कनेक्ट करने का भी तरीका बता दिया। इसी तरह एंड्रॉयड का भी है, वो भी इसी तरह कनेक्ट होगा, और आप लोगों ने लाजमी बताना लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना वीडियो को, ताकि हमारे व्यूवर और बढ़ते जाएँ, व्यूज़ बढ़ते जाएँ और सब्सक्राइबर भी बढ़ें, और लाइक करें सर वीडियो को, सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे अपडेट भी करें, और लाजमी पीछे बैकग्राउंड का बताना ताकि हमारी वीडियो जो सी है, चैनल जो सी है, चैनल का बैकग्राउंड और अच्छा होता जाए। तो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, ताकि हमारा जो अगला कंटेंट है, अगर आप लोग जिस तरह बताएंगे डिमांड जो होगी आप लोगों की, उसी मुताबिक अगला व्यूज़ भी लें, अगला जो प्रोडक्ट है उसका उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, चाहे गाड़ी है, चाहे मोबाइल है, और जो मर्ज़ी चीज़ होगी उसके ऊपर रिव्यू बनाया जाएगा। तो ठीक है, अगर आप लोग ने भाई ने डिमांड की थी तो मैंने फौरन जाके उसी दिन ले आया था माइक, और पसंद मैं पहले कर रहा ढूंढ रहा था कि आप लिया जाए, लाजमी डिमांड भी आ गई है, तो मैंने माइक ले लिया। अब आप लोगों का हक बनता है कि अगला बताएं, अगला किसके पर चीज किस चीज़ के ऊपर बनाना है, और बैकग्राउंड का भी लाजमी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।